कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अभी अभी कनाडा में रहने के लिए आए होते हैं। इनकी माली हालत काफी खराब थी क्योंकि इनके पास नौकरी तक नहीं थी। यही वजह थी कि इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। वो बताता है कि कनाडा में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं अपना बहुत सा वक्त अपने मॉम के कंप्यूटर के साथ गुजारता हूँ, जहाँ मैं गेम खेलता हूँ, इंटरनेट पर अनजान लोगों से बातें करता हूँ और नई नई चीजें सीखता। आगे वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया बदल दी। और इंटरनेट की एक साइट ऐसी भी है जिस पर हम क्लिक करके पैसे भी कमा सकते हैं, जहाँ सच में वो साइट के जरिए अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और एलेक्स अब बड़ा हो जाता है। फिर एक शाम जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से मेरी नौकरी खत्म हो गई है, घर का किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए थे। उन पैसों को वो अपनी मॉम को दे देता है। इतने सारे पैसों को देकर उसकी मॉम पूछती है, क्या तुमने चोरी की? जिस पर एलेक्स कहते हैं कि नहीं मॉम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ये पैसे मैंने अपने फीस के लिए जमा किए थे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं फीस के लिए दोबारा पैसे जमा कर लूंगा। अब वो पैसे अपनी मॉम को दे तो देता है लेकिन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों की मेहनत से उसने ये पैसे जमा किए थे और अब वो ये भी नहीं जानता कि अपने लिए वो दोबारा पैसे कब और कैसे जमा करेगा। फिर तभी वो अपने कंप्यूटर पर लिखता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं ढूंढ सकता। अब एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है, लेकिन जब वो ग्रुप में शामिल होने के लिए इजाजत मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। अब उसके स्कूल में एक काफी मगरूर लड़का होता है और चलाकी से एलेक्स उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है, जिसकी डिटेल्स वो डार्क वेब के एक आदमी जो कि एक हैकर होता है उसे भेज देता है। हैकर कौन होता है? हैकर वो है जो कंप्यूटर और इंटरनेट पर काम करने में काफी माहिर होता है और वो इस चीज को अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है गलत तरीके से, और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। एलेक्स का रैंक थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, इसका मतलब कि अब वो डार्क वेब की कुछ चीजों तक पहुँच भी सकता है और उन्हें इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर एलेक्स उसी हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो हैकर एलेक्स को दो लैपटॉप बेचता है और कहता है इसे बेच देना और इसका जितना भी मुनाफा हुआ उसे हम आपस में बांट लेंगे। जब वो ऐसे करता है और उन दोनों लैपटॉप को वो बेच देता है, जहाँ वो दोनों पैसे आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को अलग अलग महंगी महंगी चीजें बेचता है जिन्हें वो बेच देता है। असल में वो जो हैकर था वो डार्क वेब में दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता था जिन्हें एलेक्स बेचा करता था। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता है ये काफी छोटा शहर है और इतनी महंगी चीजों के खरीदार उसे यहाँ पर नहीं मिलते, इसीलिए एलेक्स अपने माँ बाप को कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ जो कि काफी बड़ा था, और वो उस शहर में आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एलेक्स का दोस्त बन जाता है। वो एलेक्स से कहता है कि तुम जो भी चीजें बेचना चाहती हो मैं उन्हें कुछ ही मिनटों में आसानी से बेच दूंगा, लेकिन इसका 30% यानी 30% हिस्सा मैं लूंगा। तब इसके लिए एलेक्स मान भी जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, इसीलिए अब वो कुछ बड़ा और अलग करना चाहता था। तो इसीलिए वो अपने दोस्त को कहता है कि अगर हमें बैंक में काम करने वाले ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड मिल जाए जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए वो यहाँ पर काम करने वाले अपने सभी दोस्तों से ऐसे लोगों के कार्ड की डिटेल्स ले लेते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं, जिससे एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और फिर एक दिन पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन ये पुलिस को बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियाँ देते हैं इस वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जहाँ उसकी मॉम काम करी और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। वहाँ वो जाता है कस्टमर बनकर और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और उन चीजों को उठाने के बहाने वो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो कंप्यूटर का सारा डेटा यानी इसमें सेफ हुई चीजें अपने डिवाइस में भेज सके। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। वो एलेक्स को अपने कमरे में बुलाता है और पूछता है कि ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिली और अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा।
शुरू में तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो मैनेजर कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ तो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो एक प्रैंक था, एक मजाक था। दरअसल मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसके जरिए मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता हूँ, और आपके कंप्यूटर को मैं बस वैसे ही चेक कर रहा था। आपके कंप्यूटर का सिस्टम काफी पुराना है, अगर आप चाहें तो मैं इसमें नया सिस्टम डाल सकता हूँ। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि कभी भी कोई इसे हैक करने की कोशिश नहीं करेगा, और आपको ये काम मुफ्त में कर दूंगा, यानी कोई पैसे भी नहीं लूंगा, जिसका फायदा ये होगा कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे। तो बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक से जाने देता है। उसी रात एलेक्स के पास डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। असल में किसी ने ये बात डार्क वेब पर फैला दी होती है कि एलेक्स ने एक बैंक के पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में काफी मशहूर हो जाता है। इन्हीं मैसेजेस में एक मैसेज सबसे बड़े हैकर का भी होता है, जिसकी खबरें आए दिन सुनने को मिलती है, और उसकी मैसेज को देखकर तो एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले सुबह ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का मैसेज आया होता है, और ये भी डार्क वेब की दुनिया से ही होता है, जो कि इन्हें मिलने के लिए बुलाती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। अब एलेक्स कीरा से मिलने जाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है, जिसके बाद अगले तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिसके जरिए वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है। वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बना भी लेती है, जिनसे ये लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब इसी तरह काम करते करते ये महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ सभी क्लाइंट्स कीरा के थे, और जब ये लोग कीरा से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स कैसे हैं, तो कीरा उन्हें बताती है कि सारे क्लाइंट्स मेरे अंकल लेकर देते हैं। अब ये अपने हैकिंग के काम में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास एक काफी खूबसूरत और महंगी कार भी आ जाती है। यहाँ पर भी कीरा ही उस कार को खरीदती है अपने एक क्लाइंट से, जिस वजह से अब एलेक्स के दोस्त को उस पर शक होने लगता है। वो एलेक्स से कहता है कि जब वो ये सारे काम अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है, तो उसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद ये एक और बहुत बड़े डील करती है किसी चीज को खरीदने के लिए, और ये काम भी कीरा ही कर रही होती है। जब एलेक्स के दोस्त वहाँ जाता है और इन क्लाइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, और अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहस होने लगी। इसी बहस के दौरान एलेक्स का दोस्त उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है, जिसके बाद वो लोग अपने अपने गन्स निकाल कर इन लोगों पर तान देते हैं। दरअसल ये लोग गुंडे थे, और अब यहाँ इनके बीच बात इतनी खराब हो जाती है कि गुंडों का लीडर इनसे कहता है कि अगर आज की बात तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। जिसके बाद अभी लोग कीरा के कहने पर हांगकांग आ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही हांगकांग आना चाहती थी। यहाँ आने के बाद ये लोग दोबारा से अपने नकली क्रेडिट कार्ड जो कि इन्होंने खुद बनाई थी उनसे शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। फिर एक रात ये तीनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ एलेक्स के दोस्त की एक लड़की से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से एलेक्स और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अगले ही सुबह अपने अंकल की मदद से इन दोनों को छुड़ा लेती है। फिर जब कीरा और एलेक्स ऑर्डर में बैठी होती है, तो वहाँ पर एलेक्स का दोस्त आता है, जो उस रात हुई बात के लिए माफी मांगता है। साथ उसने बहुत सारी चीजें खरीदी और बेची भी होती है, उसके पास काफी पैसे भी होते हैं। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया था, जो उन्हें उस वक्त मिला था जब ये लोग कनाडा में थे, जब कीरा इनके साथ काम नहीं करती थी। अब इस कार्ड का फायदा ये था कि एक ही बार में इसे बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते थे, और अगर दूसरी बार ये लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये पकड़े भी जा सकते हैं। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि इसने उसी कार्ड को इस्तेमाल किया है, तो एलेक्स उस पर काफी गुस्सा करता है और इनकी बहस होने लगती है। यहाँ एलेक्स अपने दोस्त को कहता है कि तुम कनाडा वापस चले जाओ, तो वो ऐसे ही करता है और कनाडा वापस चला जाता है। और अब यहाँ पर एलेक्स और कीरा रह जाते हैं, जो अपने उन्हीं नकली क्रेडिट कार्ड के जरिए 2.3 मिलियन डॉलर चुरा लेते हैं, और हर जगह पर डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। खबरों में बताया जाता है कि हांगकांग में 2.3 मिलियन डॉलर्स की चोरी हुई है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि ऐसा किसने किया, लेकिन डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है, उसने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो इस बारे में पता लगवा कर रहेगा कि ये काम किसका है। अब कीरा ये फैसला करती है कि वो इस काम को और नहीं करेगी, क्योंकि अब उसके पास बहुत पैसा है और वो सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन एलेक्स तो अभी भी इस काम को जारी रखना चाहता है। अभी जब ये लोग इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि इनके पास
पास उसी बड़े हैकर का मैसेज आता है जो इन्हें क्रेडिट कार्ड्स वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स उसे कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर वो हैकर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। जिस पर एलेक्स कहते हैं कि एक डील ऐसी है जिसके जरिए हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। ये सुनकर वो हैकर इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग उस बड़े हैकर से मिलने जाते हैं जो व्हील चेयर पर होता है और उसका चेहरा भी काफी खराब होता है। वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। जिस पर एलेक्स कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके जरिए हम अरबों रुपए कमा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की, कोई भी गलती की, तो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों सबको मार दिया जाएगा। अब यहाँ एलेक्स उसे अपना आइडिया बताकर कीरा के साथ निकल जाता है। और जब ये दोनों बाहर अपनी गाड़ी में होते हैं तो इनके पास एलेक्स के दोस्त की कॉल आती है जो कि उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तभी उसकी कमरे की बेल बजती है, उसे लगता है कि शायद एलेक्स और कीरा आ गए हैं। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ वो नहीं होते बल्कि कोई और होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने इस्तेमाल किया था, जिस पर एलेक्स और उसकी बहस भी हुई। अब कुछ देर के बाद होटल के कमरे में एलेक्स और कीरा भी पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से काफी दुखी हो जाता है, इसीलिए वो पुलिस को फोन करना चाहता है। पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जा सकते। इसीलिए अब होटल छोड़कर इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन इनके पास उसी बड़े हैकर का फोन आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे आइडिया पर काम करना चाहता हूँ। इसलिए अब ये लोग अपने काम को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर पहले से लोग कंप्यूटर्स पर बैठे होते। फिर अगले सीन में हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं, जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट आज तक काफी अच्छी है। उसे देखते ही देखते बड़े हैकर के लोग गोली मार देते हैं और जैसे ही उनकी मौत होती है, एलेक्स, कीरा और उनकी टीम इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाने लगते हैं। खबरों में भी ये बताया जा रहा था जिस वजह से बड़े बड़े शेयरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने अपने शेयर्स को कम कीमत में बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह से पूरी शेयर मार्केट जिसकी हालत पहले काफी अच्छी थी वो तबाह हो जाती है। जहाँ इन सारे शेयर्स को बड़ा हैकर खरीद लेता है, यानी उसने कम कीमत में महंगे शेयर्स खरीद लिए जिस वजह से उसे अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। वो एलेक्स का हिस्सा भी उसके अकाउंट में बेच देता है। इसके बाद एलेक्स, कीरा और उसके सभी साथी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ शिकार कर रहा होता है। जब उसे फोन करके बताया जाता है कि आपकी मौत की खबर पूरी दुनिया में चल रही है, अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आती। और तभी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन समझकर गोली मार दी थी। उसे दरअसल चेयरमैन का पूरा भेज दिया गया था, यानी चेयरमैन का बेरोपिया बनाया गया था और ये पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान था ताकि उसकी मौत की खबर से शेयर मार्केट तबाह हो जाए और इन्हें अरबों डॉलर्स का फायदा हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठे होती है तो उनके पास दो लोग आते हैं जो इन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर जब एलेक्स को होश आती है तो उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वहाँ जो आदमी बैठा होता है उसके पास फोन आता है, उसे कहा जाता है कि इस लड़के को छोड़ दो। तब एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके पर्स से भी सब कुछ गायब होता है। वो किसी तरह शहर वापस आ जाता है। वो कीरा को कॉल भी करता है लेकिन उसका नंबर बंद। काफी दिनों तक कीरा को ढूंढने के बाद वो इंटरनेट पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब डार्क वेब को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले चुकी थी। इसके बाद वो खबरें देखता है जिसमें बताया जाता है कि उसी बड़े हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने बहुत सारे गलत और उल्टे सीधे काम किए हैं। और उसकी एक साथी कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी, गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब क्योंकि एलेक्स ने डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी, इसीलिए पुलिस यहाँ आकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल में एलेक्स पूरे 2 सालों तक रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो यहाँ से जाना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। अब 2 साल के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर आता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है जो कोई और नहीं बल्कि कीरा होती है। कीरा को जिंदा देखकर वो काफी हैरान होता है। तब वो एलेक्स को यहाँ सब कुछ बताती है और कहती है कि जिस अंकल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो कोई और नहीं बल्कि बैंक का वही मैनेजर था।
था जिसने एक बार तुम्हें डिवाइस के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। एक दिन वो मैनेजर जेल में मुझसे मिलने आया। उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस बड़े हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया था। उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया, जिसके बदले में उसने मेरे ऊपर लगे सभी इल्जामात को हटाने का वादा किया और इसी वजह से मैं उस प्लान में शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और कहा कि इस लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लेना, जहाँ उसके बाद मैं तुमसे मिली। मैं तुम्हें हांगकांग जाने का कहती रही लेकिन तुम नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गुंडे जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा थे, ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए राजी हो जाओ। ये जहाँ वो बड़ा हैकर रहता है ताकि वहाँ जाकर हम उसे पकड़ लें। और आगे की सारी बातें तुम जानती ही हो। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। किरा कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। कई बार मैंने तुम्हें बताने का सोचा लेकिन मैं नहीं बता पाई। इसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे, जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक अच्छी और ईमानदारी वाली जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।